सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों OnePlus ने लॉन्च किया अपना नया ब्रांड न्यू फोन OnePlus 6 और मेरे पास में भी है यहाँ पे आप सभी के लिए OnePlus 6। तो आज आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए, मैं आपसे बात दोस्तों करने वाला हूँ OnePlus 6 के कुछ इंटरेस्टिंग OnePlus 6 फीचर्स के बारे में और ये OnePlus 6 सिर्फ आपके लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे अभी इस वीडियो में ना हम बात करने वाले हैं कि इस फोन के अंदर क्या है कुछ इंटरेस्टिंग खास फीचर्स, और उसके बाद में आपको बताऊंगा बीच में कहीं छुपा के कि भैया आप कैसे ले सकते हैं इनमें से कोई एक फोन, पार्टिसिपेट आप कैसे कर पाएंगे इस गिव अवे कॉन्टेस्ट में। तो यहाँ पे यार जो पहला मेरे को लगता है ना फीचर बहुत ही कमाल इस फोन का, वो है डैश चार्ज। मतलब जो चार्जर है भाई वो बहुत 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 ज़्यादा फास्ट है। आप मतलब फ़ोन को 30 मिनट्स में चार्ज कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा। और अगर आपने घंटे भर चार्ज में लगा दिया तो फ़ोन की बैटरी जो है वो हो जाएगी 0% से बढ़ के सीधा 100%। मतलब जो चार्जर है वो काफ़ी बड़ा लगता है दिखने में, जो आउटपुट है वो है 5 वोल्ट 4 एम्पियर्स का, लेकिन जो ताकत है ना वो मतलब कमाल की है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि ये फ़ोन चार्जिंग के टाइम पे इतना गर्म नहीं होता है। मतलब आप अगर हैवी काम कर रहे हो, आपने अगर नेविगेशन अब लगा रखा है फ़ोन में, आप जो है फ़ोन में अगर गेम्स वगैरह खेल रहे हो, फिर भी अगर आप उसको चार्ज करते हो डैश चार्जर से, तो फ़ोन जो है वो फास्ट तरीके से ही चार्ज होता है। और फास्ट मतलब यार सुपर फास्ट। सुबह सो के उठो, फ़ोन की बैटरी 15%, बाद में समझ जाता है भैया क्या करें, आप शार लेके बाहर आओ, इतनी देर के अंदर फ़ोन की बैटरी लगा कर रखो तो भैया पहुंच जाएगी 50-60-70-80%। तो ये जो है मुझे लगता है बहुत ही कमाल फीचर है इसी OnePlus 6 का। और यहाँ पर दोस्तों इसके अलावा जो एक दूसरा बहुत ही कमाल फीचर है वो है ये फ़ोन के साइड में एक स्लाइडर है जिसको हम बोलते हैं अलर्ट स्लाइडर। मतलब कई बार क्या होता है, फ़ोन आपका रिंगिंग है फॉर एग्जांपल, घंटी बज गई है फ़ोन में, आप कोई मीटिंग में जा रहे हैं, तो इस स्लाइडर से आप सीधा अपने प्रोफाइल्स को चेंज कर सकते हैं कि भैया आपको आपका फ़ोन साइलेंट चाहिए, आपको आपका फ़ोन वाइब्रेट पर चाहिए, आपको आपके फ़ोन के अंदर घंटियाँ बजवानी है, तो वो काम आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके अलावा आपका फ़ोन ऐसे टेबल पर पड़ा है, सिंपल आपने रख दिया है, तो आप इस स्लाइडर पोजीशन को देख के पता लगा सकते हैं कि भाई आपका फ़ोन रिंगिंग मोड में है कि साइलेंट में है कि वाइब्रेट में है। तो ये भी एक ऐसा बहुत कमाल फीचर मुझे लगता है कि यार बाकी एंड्रॉइड फ़ोन में भी आना चाहिए, कि ये काफ़ी एक कन्वीनियंट जो है वो चीज़ है कि भाई आप बड़े अपने आराम से और मोड्स को चेंज कर पा रहे हैं। और इसके अलावा एक और जो बहुत ही कमाल चीज़ जो मुझे लगती है इस फ़ोन में, फेस अनलॉक। भाई फिंगरप्रिंट स्कैनर है, सही पोजीशन पे है, बहुत ही फास्ट काम करता है, सब कुछ सही है, लेकिन जो सबसे कन्वीनियंट है वो है फेस अनलॉक, क्योंकि वो इतना तेज़ काम करता है ना कि आपको समझ में नहीं आता कि भैया वो है भी कि नहीं। मतलब आपने एक बार अपना फेस रजिस्टर कर दिया, उठाओ बटन दबाओ, लॉक स्क्रीन तो आएगा ही नहीं, सीधा अनलॉक। मतलब इतना तेज़ी से वो काम होता है, और मतलब आपको लगता नहीं कि जैसे कुछ इसके अंदर आपने एक्स्ट्रा ऐड कर रखी है सिक्योरिटी, लेकिन सिक्योरिटी है। और यहाँ पे ये चेहरे के कुछ 100 पॉइंट्स को जो है वो चेक करने के बाद में वेरीफाई कर देता है कि भैया ये आप हो या नहीं हो। तो फेस अनलॉक काफ़ी फास्ट है, काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करता है, जो मुझे लगता है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है। बैकअप के लिए अगर फेस अनलॉक काम नहीं कर रहा है, अगर आप उसको यूज़ करना नहीं चाहते हैं, तो फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है वो भी एकदम परफेक्ट काम करता है। तो ये हो गया इस फोन का एक और फीचर। और यहाँ पे इसके अलावा अगर से बात करता हूँ फीचर की, तो जो पीछे की तरफ ये कैमराज है ना, ये ड्यूअल कैमरा है, लेकिन यहाँ पे ये स्लो मोशन वीडियोस भी रिकॉर्ड कर सकते हैं 480 FPS में और पूरे 1 मिनट तक 720p में। मतलब मैंने बाकी कुछ फ़ोन्स को यूज़ किया है जहाँ पे स्लो मोशन होता है 960 FPS तक, लेकिन वहाँ पे जो लिमिट होती है रिकॉर्डिंग की वो है सिर्फ 0.2 सेकेंड्स। ऑल दो वो ज़्यादा है 480 FPS से, लेकिन यहाँ पे आप पूरे 1 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। फॉर एग्जांपल सामने कोई एक्शन चल रहा है जो कि लगातार हो जा रहा है, तो आप बस एक बार रिकॉर्डिंग अपनी स्टार्ट कर दो, उसके बाद में आप बाद में सेलेक्ट कर सकते हो कि भाई आपको कहाँ पे स्लो चाहिए कहाँ पे फास्ट चाहिए। इसमें आपको मिल जाता है इनबिल्ट वीडियो एडिटर। तो ये जो स्लो मोशन वाली चीज़ है ना, मतलब देखो भैया नॉर्मली होता है 30 FPS, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 480 FPS, यानी कि 16 गुना चीज़ एकदम स्लो हो जाएगी। मैं हाथ लगूंगा नहीं हूँ तो हाथ जाएगा, हाँ लहरे करता हुआ। तो यार ये एक बहुत ही कमाल फीचर लगता है मुझे इसी OnePlus 6 का। और इसके अलावा इसका एक और इंटरेस्टिंग फीचर जो इस फ़ोन के अंदर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, वो है ऑक्सीजन OS। मतलब यार देखो ना, फ़ोन के अंदर क्या होता है, कई बार अगर फॉर एग्जांपल सैमसंग का अपना सिस्टम है, फॉर एग्जांपल बाकी फ़ोन के अंदर अपना आता है, LG में अपना सिस्टम आता है, जो UI होता है ना, मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद आता है वो आता है स्टॉक एंड्रॉयड। लेकिन दिक्कत क्या है स्टॉक एंड्रॉइड में, कि कुछ कुछ बेसिक फीचर्स मिसिंग है। मतलब स्टॉक का मतलब एकदम ही वो उसको क्लीन कर दिया आपने। ऑक्सीजन OS जो है वो दिखने में स्टॉक लगता है,
काफी हद तक लगता है बिल्कुल एकदम क्लीन। और यहाँ पे कुछ कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स जो जो बेसिक चीजें होनी चाहिए वो दी गई हैं, मतलब यानी कि स्टॉक एंड्रॉइड को थोड़ा सा आपने और बेटर बना दिया है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल चाहे ये जो ऊपर नॉच है डिस्प्ले के, आप चाहे इसको हाइड करना चाहते हो, चाहे आप यहाँ पे कुछ जेस्चर्स लगाना चाहते हो, चाहे फॉर एग्जांपल अलर्ट स्लाइडर के लिए आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग शॉर्टकट्स हो गए, चाहे आप चाहते हैं कि आप नोटिफिकेशन बार को कैसे कस्टमाइज करें, तो मतलब ये जो चीज़ें हैं वो आप कर सकते हैं बड़े आराम से ऑक्सीजन ओएस में। और साथ में जो लेआउट है वो एकदम क्लीन लगता है। इसके अलावा क्योंकि ये स्टॉक एंड्रॉइड जैसा ही दिखता है तो जो एंड्रॉइड अपडेट्स हैं उसके मिलने के चांसेस और जल्दी बढ़ जाते हैं कि आपको अपडेट जो है वो नॉर्मल फोन के कंपैरिजन में थोड़ा सा जल्दी मिल जाएगा। तो ये मुझे लगता है कि बहुत एक इंटरेस्टिंग फीचर है इस फोन का। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक और जो फीचर, छठा फीचर, मतलब इस फोन का वन ऑफ दी बेस्ट फीचर, वो एक फीचर नहीं है, वो काफी सारे फीचर्स हैं जो कि है यहाँ पे भैया आपको मिलती है स्पेसिफिकेशंस कमाल प्राइस। 35,000 रुपये का फोन चालू होता है जहाँ पे स्नैपड्रैगन 845 मिलता है, ऑप्टिक एमोलेड डिस्प्ले है, एज टू एज फुल एचडी प्लस, ड्यूअल रियर कैमरास, कमाल का फेस अनलॉक, मतलब कमी कहीं पे लगती नहीं एक तरीके से, चाहे वो डैश चार्जिंग की बात मैं आपसे करता हूं। तो यहां पे ये जो फोन है आपको देता है एकदम ट्रू वैल्यू फॉर मनी। मतलब हम कई बार सोचते नहीं है कि यार क्या 35,000 रुपये का फोन इतना फास्ट परफॉर्म कर पाएगा, लेकिन यहाँ पे वन प्लस ने काम किया हुआ है वन प्लस वन के टाइम से कि आपको हर साल जो होगा बेस्ट मार्केट में वो मिलेगा एकदम सही वैल्यू प्राइस में। तो ये मुझे लगता है कि फोन का एक और इंटरेस्टिंग फीचर है। और यहाँ पे क्योंकि हम बात कर रहे हैं वन प्लस सिक्स की, तो जो फीचर्स हैं वो भी हम बात करते हैं वन प्लस सिक्स। तो छह मैं आपको दोस्तों बता चुका हूँ, यहाँ पे जो सातवां लगता है वो जो इंटरेस्टिंग फीचर वो है ये प्यारी सी चीज़, मतलब 3.5 mm वाला ऑडियो जैक। भाई देखो बात ऐसी है कि बहुत सारी कंपनीज को स्किप कर रही हैं, साथ में डोंगल दे देती हैं या जो भी बातें हैं, लेकिन यार कई बार ना मज़ा आपको इसी में आता है। मतलब ठीक है ब्लूटूथ ईयरफोन्स लगा लिए, गाने सुन लिए, वायरलेस है, सब कुछ है, लेकिन कई बार ऐसे मौके आते हैं उसकी बैटरी डेड हो चुकी है, फॉर एग्जांपल आपके हेडफोन की, आपको हेडफोन मिल नहीं रहा है, तार जो है वो आपके पास पड़ा है, तो यहाँ पे अगर आप उसको घुसा नहीं पाओगे अंदर तो वो किस काम का आपके ईयरफोन्स। तो यहाँ पे ये मुझे लगता है कि यार कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है, आप जब चाहे जहाँ चाहे अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया है इसका एक और फीचर। तो यहाँ पर दोस्तों ये तो बात होगी वन प्लस सिक्स के वन प्लस सिक्स फीचर्स के बारे में। और यहाँ पर अगर बात करता हूँ वन प्लस सिक्स फोन्स के बारे में, तो बात कुछ ऐसी है कि भाई यहाँ पे ये फोन्स मिल जाएंगे आप में से किन्हीं 7 व्यूअर्स को। ये हो गया समझ लो बोनस प्राइज एवेंजर्स एडिशन, और ये हो गया बाकी 6 वन प्लस सिक्स। पार्टिसिपेट करना बहुत ईजी है। ईजी का मतलब क्या है, आपको इस वीडियो को लाइक करना है, आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए कि अगर आपको ये फोन मिलता है, अगर आप इस फोन को जीत जाते हैं तो आप इस फोन का वो कौन सा फीचर होगा जिसको सबसे ज्यादा यूज करेंगे। ये जो कॉन्टेस्ट है ये हम चलाने वाले हैं वन प्लस सिक्स बोले तो सिर्फ ऐसा 7 दिनों के लिए, और उसके बाद में मैं रिजल्ट्स अनाउंस कर दूंगा अपने ट्विटर के ऊपर, आप वहां पर जाके चेक कर सकते हैं। और ऐसे में मैं रैंडमली कमेंट्स पिक करने वाला हूं, अगर आपका नाम आ गया तो आप जीत जाएंगे ये, और जिसका नाम सबसे पहले आएगा उसको मिलेगा ये वाला। तो दिस इज द फर्स्ट प्राइज, उसके बाद में सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ वन प्लस सिक्स आपके लिए मेरी तरफ से। बड़ा सिंपल है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, सिर्फ एक ज्यादा किया तो डिसक्वालीफाई। और यहां पे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी चीजें आगे भरपूर लेके आता रहा हूं पहले भी और लेके आता भी रहूंगा। तो यही है दोस्तों इस वीडियो में, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, देखने लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कुछ सलाह सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को भी तक लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज लेके आता रहता हूँ और ऐसे ही आपके लिए काम करता रहता हूँ। फिलहाल दूसरे वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।